हेलो बच्चो, बच्चों बच्चों अगर आप एम सी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एम की वेबसाइट पे एक बार इस नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो बच्चों ये नोटिफिकेशन देखो क्या कहता है इन रेफरेंस इज मेड टू द रिक्वेस्ट बिंग रिसिव फ्रॉम कैंडिडेट हु हैव बिन एलोटेड सीट थ्रू स्टेट काउंसलिंग एंड नाउ वन टू रिजाइन देयर राउंड वन सीट अलोटेड थ्रू एम यानी जिन बच्चों को एम राउंड वन ऑल इंडिया काउंसलिंग से सीट मिल चुकी है और उन बच्चों को स्टेट काउंसलिंग से भी सीट मिल चुकी है उसके रेफरेंस में ये नोटिस है सच कैंडिडेट कैन रिजाइन देयर राउंड वन सीट विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम ऐसे कैंडिडेट जिनको अपने स्टेट से उनका मन चाह कॉलेज मिल चुका है और अब वो एम के ऑल इंडिया कोटा से सीट जो मिला था उससे रिज़ाइन करना चाहते हैं उस सीट को लेफ़्ट करना चाहते हैं तो उनको एक टाइम फ्रेम में अपनी सीट को लेफ्ट करना पड़ेगा अपनी सीट को रिज़ाइन करना पड़ेगा और बच्चों वो टाइम फ्रेम है थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त 2024 से लेके थर्ड ऑफ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक विदाउट फोर फीचर ऑफ सिक्योरिटी डिपोज़िट यानी बिना आपका जो सिक्योरिटी डिपोज़िट लॉस किए आप अपनी सीट को रिज़ाइन कर सकते हो यानी जो पहला एग्जिट है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा आपको अपने स्टेट में अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल चुका है आपको एम से ऑल इंडिया कोटा में जो सीट मिला था आप आसानी से उसे रिज़ाइन कर सकते हैं आफ्टर विच दे विल बी कंसिडर एज पार्ट ऑफ राउंड टू उसके बाद राउंड टू के लिए उन कैंडिडेट को ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे दूसरे कैंडिडेट को ट्रीट किया जाएगा और सेम वही रूल उनके ऊपर भी अप्लाई किए जाएंगे ऐसा इस नोटिस में लिखा है अब रेजिग्नेशन का प्रोसीजर क्या है ये भी इन्होंने बताया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इन्श्योर दैट देयर रेजिग्नेशन लेटर इज जनरेटेड ऑनलाइन रेजिग्नेशन लेटर ऑनलाइन जनरेटेड होना चाहिए कहां से बाय द एलोटेड कॉलेज जिस कॉलेज में उनको अलॉटमेंट हुआ था उसके ऑनलाइन पोर्टल से उसके ऑनलाइन पोर्टल से आपको एक फॉर्म साइन करना है अपनी सीट को रिजाइन करने का वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा एमसीसी के पास आपका डाटा वहां पे पहुंच जाएगा कि आपने अपनी सीट लेफ्ट कर दी है ठीक है फेलिंग विच द रेजिग्नेशन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वाइट अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपके रेजिग्नेशन को सही नहीं माना जाएगा और एम के ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से जो आपको सीट मिली थी वही आपको फाइनल सीट मानी जाएगी और आप सेकेंड काउंसलिंग में अपने कॉलेज को अपग्रेड नहीं कर पाएंगे तो बच्चों आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू and for such kind of later information stay tuned with jana thank you very much